So hey guys, welcome back to this channel. I hope you are doing absolutely well. तो अभी हम जा रहे हैं मेरे एक लॉन्ग वीकेंड के लिए इस भीड़ भाड़ी दुनिया से दूर. तो अब हम जा रहे हैं जम्मू. शॉर्ट रिकैप दिखा था जो मैं आगे सब कुछ करने वाला हूँ, तो आपको भी ये वीडियो में सब दिखेगा. तो आगे तो वीडियो पूरी देखना. तो अभी हम निकलते हैं जम्मू की सैर करने के लिए. तो लेट्स गो. ओ भाई साहब रुको क्या, चलो चलो. पहले यहाँ तक आए कैसे वो तो बताने दो, डायरेक्ट क्या घुमाने लेके चले. उठो चला उठो. तो हाय गाइस, अभी आपको बता दो कि 30 आवर्स की ट्रेन की जर्नी कैसी हुई थी, हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे. डायरेक्टली भाई लेके घूम रहे थे. तो अभी आपको ट्रेन की जर्नी बताता हूँ, उसके बाद ये आपको आगे की जर्नी बताएंगे जो भी है. तो लेट्स गो. यस, तो आ गए हम लोग. अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे जर्नी, स्टार्ट से आपको दिखाता हूँ. तो अभी हम है बांद्रा टर्मिनल. तो अभी हमारी ट्रेन है स्वराज एक्सप्रेस 12471 जो हमें बांद्रा टर्मिनल से कटरा तक छोड़ेगी, जम्मू तावी. ट्रेन तो ऑन टाइम आई हुई है और लगी है, सामान सब ट्रेन में अंदर ले लिया है लोड करके. पर लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट बहुत खराब हुई है. मतलब यहाँ के चार कोई अलग लोग हैं, हमारी इधर एक सीट है, यहाँ के दो सीट्स है, वहाँ के दो सीट्स है. अभी कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ के चार लोग को पटाना पड़ेगा कि भाई तुम लोग उधर जाओ या फिर यहाँ वहाँ कुछ एडजस्ट कर लो, देखते हैं. हाँ, मेरे को छोड़ने के लिए इतना दूर से आया पुंडिया, इतना प्यार. दुबई से आया, दुबई से. दुबई से तैयारी करते तो ले हमारी अभी ट्रेन निकल पड़ी है. तो रास्ते में वन टाइम का लंच हमें लेके आना पड़ता है, बाकी का ट्रिप ऑर्गेनाइजर बाद में लंच प्रोवाइड करते हैं होटल से. हम घर से बिरयानी लेके गए थे, आंटी पराठे और भाजी लेके आए थी, अंकल चपाती और भाजी लेके आए थे. रुको रुको, वीडियो देखना आगे. सॉरी टू डिस्टर्ब यू कि मैं कौन से टूर से गया हूँ आपको मैं बताने वाला हूँ. तो वो लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी नहीं बताने वाला. भाई 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 मेरा भाई, प्लीज बता ना भाई, प्लीज बता ना मेरा. तो आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहना एंड तक. मैं नहीं दिखाऊंगा आपको. मैं बताना कि कौन सी टूर से मैं ये पूरा प्लान करा. हर साल वो लोग टूर निकाल दी है, सिर्फ डेस्टिनेशन अलग अलग रहता है, वैष्णो देवी फिक्स रहता है, बाकी के डेस्टिनेशन अलग अलग होते हैं. तो मैं कौन से टूर से जा रहा हूँ आपको वीडियो के एंड में बता रहा हूँ. तो टिल देन कंटिन्यू द वीडियो, बाय बाय. इस बार बहुत ज़्यादा रश थी कि ट्रेन के डब्बे एसी क्लास के ज़्यादा बढ़ाए थे, नॉर्मल क्लास के कम थे. तो 400 वेटिंग पे थे पब्लिक, तो सब लोग स्लीपर क्लास में घुस गए. तो जहाँ जगह मिले वहाँ पे बैठ रहे थे. बहुत प्रॉब्लम हुआ था इस बार यार, नहीं तो हर बार इतना नहीं होता प्रॉब्लम. अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी रहेगी तो उसमें ऐसे ही कुछ होटल से मंगा हुआ खाना था, तो वो पार्सल करते सबके लिए. ऑलमोस्ट इस साल 107 जन है, सबके लिए खाना आता है. उसमें से अपन भी है, तो अभी डिनर करते हैं. मेरी गर्मी ठंडी तो लग नहीं रही है कुछ, खाना करके सो जाना ही है. तो ऑलमोस्ट आपको कल ही मिलूँगा. सो बाय, गुड नाइट. द नेक्स्ट डे. ये हमारा सुबह का नाश्ता था, कटलेट और ब्रेड. अच्छा था. सिकरा के स्पीकर ने हमें बहुत साथ दिया कि हम लोग स्पीकर लेके गए जब सब लोग गाने गा रहे थे आते और जाते समय. दोनों टाइम ट्रेन में फुल वसूल किया इसको. ट्रेन 4 घंटा लेट चालू है,
10:15 लुधियाना आने वाला था एंड अभी बजे है 2:15 लुधियाना आया है। हमारा खाना आ गया, खाना सो फाइनली वी रीच एट कटरा। रात को पहुंचे हम लोग कुछ 8 बजे कटरा में। ये माता वैष्णो देवी का पहाड़ है जो हम कल सुबह चढ़ेंगे ऊपर जाने के लिए माता के दर्शन के लिए। एंड ड्यू टू टेक्निकल रीजन मेरा आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ वीडियो में, ऐसी ब्लेसिंग ही है मेरे। तो ये वीडियो आगे मैं कट कर दूंगा, आप आगे की वीडियो देख लेना। तो बाय बाय, होटल में मिलते हैं। तो ये है हमारा होटल का रूम। हर साल का एक ही होटल उनका फिक्स है बुक करने का, होटल नेक, जो कटरा में है। स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऑटो वाले 200-300 रुपये लेते हैं सब सामान के साथ, लगेज के साथ छोड़ने के लिए। तो बहुत ही अच्छा रूम है, नेट और क्लीन रहता है, पानी भी एक नंबर गरम गरम फुल मिलता है, ठंडी का कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे भी मेरा आवाज़ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने मिरर में बहुत सारी बड़बड़ की थी, कुछ सुनाई नहीं देने वाला आपको। Yes, yeah, we are all set for the dinner time. तो मस्त रेडी हो गया डिनर के लिए। खाने के लिए कैटरर्स हम मुंबई से ही पिकअप करते हैं उनका सब। तो यहाँ पे सब मतलब वो सब खाना है यहाँ का, जो मुंबई वाला जो अपना रेगुलर खाना है वही सब बनाते हैं। मतलब वहाँ का जम्मू का खाना हमें पचेगा नहीं पचेगा, इसलिए यहाँ से आचारी सब लेके जाते हैं। वो लोग खाना अपना घरगुरी स्टाइल वाला सब पूरा रहता है। तो कुछ स्वीट आइटम और कुछ नया आइटम भी रहता है उसमें। सो खाना पीना खा के अभी ऊपर आ गए हम लोग। तो कल हम जाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तभी आपको देखने मिलेगा हेलीकॉप्टर राइड, रोपवे से जाएंगे अपन भैरव घाटी के लिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। अभी वहाँ पे कितना रश रहेगा, ऊपर ठंडी कितनी रहेगी, वो सब आपको डेटा आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ सब, जैसे कुछ भी रहेगा वो। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगले 2 दिन में आपको न्यू वीडियो मिल जाएगी, तब तक के लिए बेल आइकन को क्लिक कर देना। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बेसिकली हम इस टूर से गए थे घूमने के लिए जय माता दी। मतलब हमारे दगड़ी चल का एक ग्रुप है, वो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल जनवरी में। 26 जनवरी फिक्स तारीख है, तभी बुक कर दे। वैष्णो देवी फिक्स पॉइंट है, उसके बाद अलग अलग स्टेट में मतलब नॉर्थ वाले मोस्ट ऑफ नॉर्थ वाले सब स्टेट में कहीं पे भी एक दिन की ट्रिप मतलब 2-3 दिन ट्रिप प्लान कर देते हैं। तो अगर आपको भी जाना रहेगा तो नेक्स्ट ईयर मेरे को जरूर याद दिलाना सितंबर में, क्योंकि सारी बुकिंग सितंबर में ही स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। तो मेरे को तभी याद दिलाना, मैं आपको शेयर कर दूंगा जो भी पैम्पलेट रहेगा उनका, जिस टाइम की कहाँ जाने वाले हैं नेक्स्ट ट्रिप। तो टिल देन आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। विद दैट से गुड बाय, अलविदा, सायोनारा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। जहां जाएंगे वहां मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड मिलते हैं कल मींस न्यू वीडियो में। बाय।